बाबू हमारे अपने देश। आपको किरदार में उतरने में शायद टाइम नहीं लगा होगा, पर कैसा लगा यूपी का किरदार निभाते हुए? यूपी, हाँ एक्चुअली क्या है कि मैं जो हूँ वो वेस्टर्न यूपी से हूँ और ये ईस्टर्न यूपी की स्टोरी है, तो एक्सेंट में भी बहुत फ़र्क है। जैसे हमारा बहुत जो कनेक्टेड है वो हरियाणा से है, अरे के करण लाग रहा भाई टाइप, इस तरह का है हमारी जो लैंग्वेज है। तो ये है कि कार है इस तरह का हो जाता है थोड़ा सा, तो बहुत फ़र्क है एक्चुअली। रे के करण लाग रहा है, वो वहाँ पे कार है तो ऐसे हो जाता है, तो इसीलिए बहुत डिफरेंट है एक्सेंट। लिख चुकी मैंने गैंग्स में भी इसी तरह का कुछ एक्सेंट यूज़ किया था, तो उस वजह से थोड़ा इजी पड़ा मुझे। कल वसैपुर के फैजल में और इस फिल्म के बाबू में क्या डिफरेंस है फिर? फैजल थोड़ा इमोशनल था, ये इमोशनल है नहीं बिल्कुल भी एक्चुअली। ये बहुत ही कहना चाहिए, मुझे गाली देनी चाहिए इसको एक्चुअली, वैसा ही है, बहुत ही बेशरम किस्म का इंसान है ये। इसके अंदर कोई इमोशन, प्यार भी नहीं, लस्ट है इसको, इस तरह का इंसान। वेल बेशरम का नाम लिया है तो हम पूछना चाहेंगे, देसी जेम्स बॉन्ड और बेशरम बाबू, बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है, कैसा लगा इसे निभाकर? मैं देसी बॉन्ड है ये एक तरह से देखा जाए, क्योंकि मैं बहुत ही इम्प्रेस भी रहा हूँ बहुत शुरू से। जब हम लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थे तो जेम्स बॉन्ड की बहुत सारी फिल्में देखते थे, हर बॉन्ड को देखा है वक्त के साथ साथ। तो बहुत ज़्यादा क्या होता था कि उस टाइम पे जब हम लोग थिएटर कर रहे थे तो फेजेस होती थी हमारी, कि एक साल बिल्कुल अल पचिनो की तरह रहना है, एक साल बिल्कुल बॉन्ड की तरह रहना, जो उस वक्त पे बॉन्ड आता उसी की तरह रहते थे। तो फिर हमारे टीचर ने बताया हमें कि यार ये सब बहुत ही गलत है, ये सब मत करो, नहीं तो पता चला कि आपको रोल कोई दूसरा मिला और उसमें आप रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं आपके। तो वो कैसे तैसे करके उन चीज़ों को ख़त्म किया। तो बट इम्प्रेस बहुत होता था हमें बॉन्ड की फिल्में देख के, तो उसके थोड़े से जेस्चर पोस्चर्स यूज़ किए हैं मैंने इसमें। थैंक यू सो मच सर। वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अब आपके सामने इस फिल्म की लीड हीरोइन, पहली बार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा ये किरदार निभा रही है, वो एक मोची का किरदार। मैं प्लीज प्रेजेंट बिदिता बागवेदास, कम ऑन एवरीबॉडी। हेलो, और दीदा वेल देयर वी हैव, जब हीरोइन की बात आती है हेलो तो दिमाग में आता है स्विट्जरलैंड की वादियों में साड़ी उड़ाती हुई एक लड़की, या फिर एक ग्लैमरस किरदार कैटरीना दीपिका का। आपने स्टोरी पढ़ी और किरदार मिला मोची का, कैसा लगा? क्या बताऊं, जब मैं एक्टिंग में आई थी तब ये वही सपना दिखा था कि स्विट्जरलैंड में जाऊंगी मैं, साड़ी उड़ाऊंगी। फिर मुझे मतलब समझ में आया कि ये बहुत बोरिंग है, सारी हीरोइंस यही करती है, क्यों ना जूता सिला जाए, जूते में टाके लगाया जाए। तो बहुत एक्साइटिंग प्रोफेशन है ना, इट इज एक्चुअली। और नवाज के साथ काम करके कैसा लगा आपको? ही इज बीइंग अ वेरी स्टेलर एक्टर, साथ में बहुत स्ट्रिक्ट है, कैसा लगा उनके साथ में? उनके साथ मैं कई सालों से काम करने के लिए मैं तरस रही थी, और कई बार मैं शॉर्टलिस्ट हो गई पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और मतलब काम करना नहीं बन रहा था। फाइनली जब मिला, मतलब किसी और का रोल मेरे झोली में आ गया, तो मतलब मैं बहुत ही खुश थी, बहुत ही ज़्यादा। और ये ना अपने एक्टर्स को बहुत ही कंफर्टेबल फील कराते हैं, स्क्रीन में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सामने मतलब एकदम नॉर्मल इंसान, मतलब बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं एक्टर्स को। बंदूकबाज द एक्चुअल बाबू मोशाई ऑफ दिस फिल्म आ रहे हैं, डायरेक्टर कुशान नंदी। सर देयर वी गो, गुड आफ्टरनून सर, एंड फाइनली बाबू मोशाई बंदूकबाज, यू बीइंग द एक्चुअल बाबू मोशाई, वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सच अ क्वर्की टाइटल? बाबू मोशाई एक्चुअली मींस मिस्टर, तो ऐसा कुछ बाबू मोशाई का कोई एक्चुअली देयर इज नो वर्ड कॉल बाबू मोशाई, बिकॉज बाबू मोशाई इज अ कॉन्कॉक्शन ऑफ टू वर्ड्स, दो शब्द मिला के बाबू मोशाई होता है, बाबू और मोशाई ये दोनों वर्ड्स हैं। पर बाबू मोशाई एक आनंद फिल्म में थी, और क्योंकि नाम इस कैरेक्टर इस किरदार का बाबू था, तो हमको लगा कि वो बहुत इंटरेस्टिंग एक टेक होगा, कि वो थोड़ा क्वर्क और एक फन एलिमेंट होगा उसमें। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और विदिता बाग के साथ में काम किया, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड टेकिंग दीज टू पीपल विथ यू? नवाज भाई का मैं बोल सकता हूँ, मुझे लगा कि मैंने नवाज भाई को स्क्रिप्ट सुनाया था कुछ अगस्त 2014 में किसी वक्त,
तो नवाज भाई को बहुत अच्छा लगा था, उसके बाद उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। तो 4 महीने तक मैंने उनको चेस किया, फिर मैंने बोला आपका प्रॉब्लम क्या है? नवाज़ भाई ने बोला कि नहीं मैं एक्चुअली थोड़ा वक्त लेता हूँ। तो काफ़ी हम बैठे दोनों तरफ से, स्क्रिप्ट में इनपुट हुआ और अल्टीमेटली जब उन्होंने वो कन्विंस हुए, और मुझे लगता है वो हर फिल्म के साथ यही करते हैं, कन्विंस होते हैं और फिर करते हैं, तो फिर हमने काम शुरू किया। तो नवाज़ भाई का तो ये था, मैंने सोचा था कि एक्चुअली ये बहुत क्लीशे है, बहुत मतलब बहुत ऑब्वियस चीज़ सब बोलते हैं, पर मैंने एक्चुअली सोचा था कि नवाज़ भाई नहीं कर रहे तो मैं ये फिल्म नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि वो जो एक फ़न एलिमेंट है, एक क्वर्क एलिमेंट है, जो एक अच्छे एक्टर के साथ कॉम्बिनेशन, मुझे लगता नहीं उस स्पेस में कोई है अभी। और विदिता का तो मतलब वो तो हिस्ट्री है, तो मैं क्या बोलूँ आपको, विदिता कैसे आई। और अच्छा, बाय द वे विदिता को मैं मिला था, तो एक और एक कैरेक्टर था इस फिल्म का जो श्रद्धा करी, श्रद्धा दास अभी कर रही, और मैंने सोचा था कि मैं विदिता को उस रोल में कास्ट करूँगा, और उसके बाद मुझे लगता है इसकी तकदीर निकल गई। ये सारे अजीबोगरीब डायलॉग जो है ना, इन्होंने लिखे हैं। कल को मेरे पे अगर कुछ वो आता है ना, ब्लेम आता है, तो ये इन्हीं को पकड़ना है, ये जो खड़े हैं। तो मुझे लगता है अगर आप लोगों को किसी कोई सवाल है वो हम कर लेते हैं, उसके बाद मुझे लगता है हम बाकी एक्टर्स को बुलाएंगे और फिर हम एक फ़ोटो अप करते हैं। नहीं, मैंने उसके बाद कोई ऐसी फिल्म भी नहीं की थी, तो मैं चाह भी रहा था कि कोई उसके आगे का कोई ऐसा कैरेक्टर हो, थोड़ा क्रूकी टाइप का हो, क्योंकि मुझे मज़े आते हैं इस तरह के कैरेक्टर करने में ऑफकोर्स। तो ये एक बहुत बढ़िया चांस था मेरे लिए वापस से फिर से, जैसे मैंने बताया कि गैंग्स से बहुत ही अलग है, गैंग्स ऑफ वासेपुर बहुत ही लाइक फैजल जो था बहुत इमोशनल था, बहुत एथिक वाला था, और लाइक जैसे स्टोरी में पता चलता है सिर्फ उसकी अगर एक वाइफ है तो सिर्फ वाइफ ही के बारे में बात करता है, उसको प्यार भी करता है। ये बहुत ही बदतमीज किस्म का इंसान है और ये एक वाइफ से इसका काम नहीं चलता, इस तरह का है ये। नहीं, मैं बताता हूँ, मैं एक सेकंड बोलता हूँ, इन्होंने ना ज्यादा ही टैक्स मांगे थे, इन्होंने ज्यादा टैक्स मांगे थे। तो नहीं, वो तो जो डायरेक्टर का वो होता है, उसको अपनी कहीं से फोकस हिल जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कैमरा कुछ इधर उधर हो जाता है, तो फिर से वापस से थोड़ा, पहली बार किया तो थोड़ी नर्वसनेस तो होती है ऑफकोर्स, तो क्योंकि इतना इस तरह के सीन मैंने किए नहीं थे पहले, लेकिन अच्छा भी लग रहा था, लेकिन नर्वसनेस भी थी, लेकिन क्योंकि सीन करना होता तो फिर सीन पे ही फोकस करना पड़ता है, इधर उधर नहीं। हाँ, हम एडल्ट ही अप्लाई करने वाले हैं, तो एडल्ट फिल्म है, तो मुझे लगता है कि एडल्ट के लिए ये सब कुछ चलेगा जो है। पहले आप या पहले मैं? तो मुझे लग रहा है चित्रांगदा के साथ मल्टीपल इश्यूज है, मतलब उसके लिए शायद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस लग जाए, और मतलब मुझे लग रहा है उसके पास ये स्क्रिप्ट 1.5 साल से थी, और मुझे उसके बावजूद अगर उसको कुछ ऑब्जेक्शन था या कुछ भी था, और वो स्क्रिप्ट जो है वो इतने डिटेल्ड है, मतलब हर चीज़ उसमें लिखा हुआ था, तो अगर उसके बावजूद अगर किसी को ऐसा लगता है तो मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता। और मुझे लगता है वो सिर्फ इंटीमेट सीन का इशू नहीं था, इंटीमेट सीन का तो इशू ही नहीं था, क्योंकि उसने ऑलरेडी शूट कर लिया था, इशू था जो उसको स्क्रिप्ट्स में, स्क्रिप्ट प्लॉट्स में उसको होल्स दिख रहे थे, जहाँ पे जो उनको लग रहा था चेंज होने चाहिए, तो मुझे लगा कि वो उनका डिसीजन था। और मुझे लग रहा है अब जो सिचुएशन में हम हैं, मतलब आई एम रियली ग्लैड दैट इट्स कम आउट दिस वे, एंड आई एम हैप्पी टू हैव विदिता ऑन बोर्ड, एंड इट्स रियली वर्क फॉर मी। नवाज जी, मैंने आई थिंक अगर आपके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो कि 3 गैंगस्टर किए होंगे, एक ये गैंग्स ऑफ वासेपुर और मुन्ना माइकल जो आप बोल रही हैं, अभी उसमें है नहीं, मैं गैंगस्टर नहीं हूँ, वो आपको फिल्म जब रिलीज होगी तब पता चल जाएगा। हीरो जब 35 फिल्में एक ही तरह से करता है, आप कोई क्वेश्चन नहीं करते, मैंने सिर्फ 3 गैंगस्टर कर लिए, आप बोल रहे हैं कि आप गैंगस्टर ही क्यों करते हैं? सर, मेरा सिर्फ ये था कि ऑल द बेस्ट फॉर द किरदार, एंड मतलब कोई पर्टिकुलर क्या आप उसको अच्छा महसूस करते हैं एज अ गैंगस्टर प्ले करना या क्राइम से रिलेटेड प्ले करना, दैट वाज माय क्वेश्चन। नहीं, मैंने उसके अलावा भी बहुत अच्छी कमीज तहजीब वाली फिल्में भी की, मंटो भी की है मैंने, है माझी की है, और लंच बॉक्स की है, और उसके अलावा बहुत सारी अलग तरह की है, मॉम की है, बुजुर्ग देखो, तो वो बहुत अच्छा कैरेक्टर है उसमें, तो फ्रीकी अली की है, तो इतनी सारी फिल्मों को आप भुला के सिर्फ 2-3 फिल्मों के ऊपर पीछे पड़ जाएंगी, तो मेरे लिए थोड़ी आप मेरे पे ज्यादा कर देंगे थोड़ा सा। सी, मुझे दो कैरेक्टर से सख्त नफरत है, एक तो बिल्कुल आउट एंड आउट विलन और एक आउट एंड आउट हीरो जो होता है, और उसका टाइम अभी खत्म भी हो गया, क्योंकि जो हमारे जो हीरो थे वो भी थोड़ा ग्रे शेड कैरेक्टर्स कर रहे हैं, तो मुझे उसी में मजा आता है, और चूंकि वो ह्यूमननेस के बहुत आसपास होते हैं,
आप में मेरे में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, और वो बहुत ही रियल होते हैं वो। तो मुझे इस तरह के कैरेक्टर करने में मज़ा आता है जो रियल हों, जो आप जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो, जो आपके आसपास कहीं एग्जिस्ट करते हो, जो शहर में हो या दूसरे शहर में हो, जो दुनिया में मौजूद होते हैं। मुझे उन कैरेक्टर को करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता जो नॉन एग्जिस्ट होते हैं। आप अगर कभी गौर करें, जो हीरो वाली हम फिल्में देखते थे, अब तो खैर उनका चलन कम हो रहा है, लेकिन वो जो कैरेक्टर होते हैं उसमें वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। अगर आप रियल लाइफ में उनको सोच के देखिए कि वो रियल लाइफ में कहीं आपको दिखते हैं, वो सिर्फ फिल्मों के लिए होते हैं। तो मुझे ऐसी फिल्में नहीं करनी जो एग्जिस्ट ना करती हूँ, जो प्लॉट एग्जिस्ट ना करती हूँ, जो कैरेक्टर एग्जिस्ट ना करती हूँ। नहीं, मैं मेरा शायद आपको पर्सनैलिटी का भी नहीं, और क्योंकि मेरे पास बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस इस चीज़ का है कि मेरे पास तब कोई काम नहीं था, 12-15 साल का एक्सपीरियंस है, मैं ऐसे ही घूमता रहता था। तो उस दौरान मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे कैरेक्टर ऑब्जर्व किए, रियल लोगों के बीच में रहा हूँ, उन लोगों के बीच में रहा हूँ जो जिनकी अपनी स्टोरीज हैं, जिनके मैं शीशों के घरों में बैठ के नहीं कभी ये सोचा मैंने कि मैं अब सारे कैरेक्टर्स कर लूँगा। मैं इसलिए कर रहा हूँ ये सारे कैरेक्टर्स क्योंकि मैंने मिला हूँ उनसे, मैं जानता हूँ उनसे, मैंने उनसे बात की है, उनके बीच में रहा हूँ, मैं भीड़ का एक हिस्सा हूँ, तो उस भीड़ में मैं रहा हूँ, तो इसलिए वो हैंग अप और मैं फख्र महसूस करता हूँ कि मैं उस तरह के लोगों के बीच में रहा हूँ, इसलिए आज कर पाता हूँ ये सारी चीज़ें। वेरी नाइस पीपल फ्रॉम बंगाल, बट द प्रॉब्लम इज व्हाट हैपेंस इज दैट दे हैव अ फेडरेशन लॉ ओवर देयर, तो उनका जो लॉ है वो आपको प्रॉब्लम ये है कि आपको बाद में पता चलता है, अभी शूटिंग शुरू कर दिया बीच में आपको पता चलता है कि 30 आदमी नहीं 180 आने वाले हैं, तो वहाँ पे काफ़ी उस वक्त बहुत प्रॉब्लम्स हो गए थे। तो हम लोग को लगा था कि ये जब वर्कआउट नहीं हो रहा, क्योंकि अगर हम कंटिन्यू करते तो और प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हमने एक्चुअली ऑप्ट आउट किया और हम वापस वहाँ से आए, और मुझे लगता है वो अच्छा हुआ क्योंकि हमको जो लैंडस्केप मिला यूपी का वो डेफिनेटली मुझे लगता है इस फिल्म के लिए वर्क किया। व्हाट वाज़ द थॉट प्रोसेस? जी कोई अप्रिहेंशन नहीं था, मैं तो ऐसे मौके का इंतजार कर रही थी कि कब मुझे ऐसा कुछ रोल मिले और मैं फाड़ के परफॉर्मेंस दूं। तो फाइनली मुझे मिला और आई एम थैंकफुल टू हर कि उसने ये रोल छोड़ा और मुझे मिला। मैं बहुत दिन से स्ट्रगल कर रही थी, फाइनली मिला, और ऐसे वैसे एक्टर के साथ ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ जी, जो बहुत अच्छे और बहुत बड़े एक्टर हैं। Yeah, there are five songs in the film, and three of these songs are composed by Gaurav Dagaonkar. Gaurav is a pretty known music director presently. There's a song by Debojyoti Mishra, who is one of the he is the finest music director in Bengal today. So it's a fabulous song which is picturized on Nawaz Bhai. The lyrics have been written by Gali Basad Bhopali. So that's about it. It's not a song centric film, but the songs do take the story forward rather than being just parts of the film. नहीं डर नहीं था क्योंकि मैं इनका काम कई सालों से फॉलो कर रही हूं। कमल से करेंगे आप कितनी बढ़िया, कितने अच्छे एक्टर हो, एंड और मुझे पता भी था कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है और बहुत ग्राउंडेड हैं, डाउन टू अर्थ हैं, तो मुझे कोई अप्रिहेंशन नहीं था, कोई डर नहीं था, मुझे इंतजार था ऐसे रोल का, फाइनली मिला कर लिया मैंने। देखो कोई भी कैरेक्टर, ये तो पिछले वाला कैरेक्टर को रेफरेंस लेके तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपनी उसकी अलग थॉट होता है उस कैरेक्टर का। अगर थॉट ही अलग है तो डेफिनेटली आपको फिर से अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उसके सिर्फ दिमाग में वो एक फैजल, जैसे आप बोल रहे हैं गैंग्स में एक आदमी था जिसको पहले ऐसे ही होता है, फिर बाद में उसको बदला लेना होता है ना, इस तरह का था ये, अलग थॉट का आदमी है बिल्कुल। अगर अलग था, हाँ आप कॉस्ट्यूम से या ट्रीटमेंट से ऐसा शायद फिजिकैलिटी या बाहर से दिखने में इमेजेस जो हैं उसके लग सकते हैं कि भाई गैंग्स ऑफ वासेपुर क्योंकि गन है यहाँ पे, ये है उससे मिलता जुलता है, बट इंटायरली डिफरेंट है एज फार एज थॉट इज कंसर्न। नहीं ऑफकोर्स सेलेक्टिव तो हर जब भी वक्त आता है हर एक्टर का, तो चाहता है कि यार अच्छी स्क्रिप्ट करें कोई ऐसी, और खासतौर से मैं तो ये सोचता हूँ कि जिसमें मुझे करके लगे कि हाँ मैंने कुछ किया है, तो सीधा सपाट इस तरह की स्क्रिप्ट हो तो उसमें करने में मज़ा नहीं आता, करने के बाद लगे कि हाँ वाकई कुछ हुआ है, कुछ दिमाग में कुछ हलचल मची है या थोड़ी फिजिकैलिटी में थोड़ी कुछ इस तरह का होना चाहिए तो ही अच्छा लगता है। नहीं 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 ऐसा नहीं, देखो रिजेक्ट मैं करने वाला, मेरी औकात नहीं कि मैं रिजेक्ट कर दूँ, बट ये है कि बहुत सारे रीज़न होते हैं किसी फिल्म को ना कर बोलने के लिए, क्योंकि आप दूसरे काम में बिजी होते हैं, है ना। ये भी देखा जाता है भाई ये कैरेक्टर पहले वाले कैरेक्टर से तो मिलता जुलता नहीं है, तो बहुत सारे रीजन होते हैं।
फाइल नवाज ये तो गैंग्स गैंग्स की बात ही हो गया था गैंग्स की बात आई थिंक 200 के आसपास मेरे पास स्क्रिप्ट साइन थी तो अगर उस वक्त पे वो स्क्रिप्ट में साइन कर लेता तो आज आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना खड़ा होता मैं वक्त आते तो थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए क्योंकि मैंने मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिनको मैंने बनते हुए भी देखा और फिर नीचे आते हुए भी देखा रीजन सिर्फ एक ही था बहुत अच्छा एक्टर रीजन सिर्फ एक था कि पता नहीं किस लालच में फिल्म साइन कर ली कि कर लो शायद फिर ये वक्त आए ना आए मैंने ऐसा नहीं वक्त है अभी टाइम है मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ फिल्में भी कहीं नहीं जा रही हैं है ना फिल्में भी बनती रहेंगी तो टाइम लेके करना चाहिए अगर लंबा जाना है तो थोड़ा वक्त देना पड़ेगा मुझे नहीं मालूम अभी तो मैं इतना तो मैं अपने आप को थर्ड पर्सन होकर नहीं देख पाता हूँ मेरा सिर्फ यह है कि भाई मैं मुझे जो टास्क मिलता है मैं उसको जेन्युइनली ऑनेस्टली करने की कोशिश करता हूँ मैं वहीं तक रहना चाहता हूँ बिल्कुल उनका स्टाइल मुझे बहुत पसंद था और है पसंद है अगर उस तरह का स्टाइल की कोई फिल्म होगी तो मैं डेफिनेटली करूँगा देखिए जहाँ तक जेंटलमैन का सवाल है मतलब ही इज नॉट अ जेंटलमैन सो ही इज बेशरम बाबू एंड सो मुझे लगता है दोनों फिल्में अपने कैपेसिटी पे रिलीज होगी और मतलब ऑडियंस वो ऑडियंस को जो देखना है वो देख लेंगे मतलब हम बोल के कुछ करनी सॉल्व नहीं कर सकते रही बात राइटिंग के तो ये सारे जितने भी गालियाँ आपने सुनी होंगी तो इन्होंने लिखी हैं तो रिसेंटली मैंने नार्कोस देखा था अभी सीरीज वेब सीरीज तो वो मुझे बहुत पसंद आया था पॉपकॉर्न खाए हो कभी जानते हो कैसे बनता है मकई को कढ़ाई में डाल के जब भूजा जाता है तब तो बहुत आवाज करता है जानते हो कहे कहे कि उसकी फटरी होती है ये मोबाइल चाहिए